मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलने के लिए भी तेल सस्ता होना चाहिए, तभी ना मेरा पकौड़ा बिकेगा तो कोई काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। नमस्कार, एबी न्यूज की टीम। इस समय महुआनी चौराहा जो कि रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र में आता है, चुनावी समर जो लोकतंत्र, अभी लोकतंत्र का उत्सव शुरू होने जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है, आगामी 10 फरवरी से होने जा रहा है। इस चुनाव से पहले जनता का क्या मूड है, कैसे माहौल बन रहा है, आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। चाचा जी क्या सोच रहे हैं सरकार को लेके? अरे भाई, हम तो भाई जीत रहा है, जीत रहा है, साइकिल जीत रहा है। वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ मिला है। कुबार मिला। चलिए आइए, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। हम लोग बताना क्या है, मान लीजिए सपा हम लोग की पुरानी सरकार है और हम लोग उन्हीं को कभी भी चाहेंगे। जैसे भाजपा के अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा मवालियों की पार्टी है, समाजवादी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई गुंडा मवाली नहीं है, वो भी काम बढ़िया किए हैं, लेकिन हम लोग सपा का हम लोग पुराने ये हैं और आज भी हम लोग का एकदम गैलनारी का एक नंबर का चल रहा है, अब चलेगा। यहाँ से कौन है विधायक? वही है गजलारी को हलेगा। नहीं नहीं, अभी शुक्ला है। अच्छा, तो उन्होंने कोई काम किया कि नहीं? हम लोग देख रहे हैं तो सर नहीं कुछ दिखा रहे, दिखाई नहीं देते हैं भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, दिखाई नहीं देते हैं यहाँ के विधायक। खोजा आपने उनको? अरे कभी आते हैं, कहा जाए घर जाए खोजने के लिए, बताएंगे डेयरी में बंद तो हम जाकर डेयरी खोलेंगे उनका। अरे हम लोग गजलारी साथ रहती है, आती जाती है, हमेशा मिलती है, गजलारी को हम लोग जानते हैं। हाँ क्या बता रहे हैं, 5 साल में कभी इस मोहानी चौराहे पे दिखाई नहीं दिए, कभी नहीं दिखाई दिए, ना कोई क्षेत्र में काम किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं, रोड सड़क नाली मारो कोई भी काम हो नहीं किए हैं। मतलब विधायक निधि से जो विकास का काम होता है कोई नहीं, नहीं इस क्षेत्र में कहीं नहीं हुआ है, पूरा कहीं बोर्ड नहीं लगा, पूरा क्षेत्र में नहीं लगा। चलिए अगर कोई देखा है क्या चौराहे, आप बताइए क्या युवा है और क्या अपेक्षा रख रहे हैं, क्या किधर मूड बन रहा है? वही गजल आदि जी हैं और चर्चा उन्हीं का हो रहा है, गजल आदि जी का, मतलब समाजवादी के साथ है। हाँ जी, चलिए समाजवादी के एक दो काम बताइए जिससे आप प्रभावित हुए हो इधर। गजल आदि ने बहुत सारे काम किए हैं, गजल आदि ने बहुत सारे काम किए हैं, हमारे गाँव में काची में पुल बनवाई है और रोड बनवाई है और भी गाँव में नाली पीच और खंजा सब कुछ कराई है, बहुत सारे समस्या भी दूर, अरे जनता के लिए कराई है, गांव के लिए कराई है और अच्छे काम किए गए। चुनावी यात्रा में हम महुआनी चौराहा से आगे बढ़कर के बड़हरा चौक पे इस समय है और आइए देखते हैं कि ये जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रही है, क्या कहना चाहते हैं? क्या चुनाव को माना जाए, सरकार को क्या माना जाए, सरकार कोई भी एकदम निकम्मी एक तरह से माना जाए तो साबित हुई है। हम लोग बी ए एम ए करके उसके बाद भी कोई रोजगार नहीं है, और नहीं तो मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलने के लिए भी तेल सस्ता होना चाहिए, तभी ना मेरा पकौड़ा बिकेगा तो कोई काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। क्या सरकार को ना लड़कों की शिक्षा मिल रही है, 5 किलो चावल गेहूँ से काम चलेगा, अगर 5 परिवार में हम लोग 5 किलो गेहूँ चावल मिल जाए तो उससे काम क्या होगा? सरकार की तो कह रही है कि हमने 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, मुफ्त में राशन दे रहा है, मुफ्त राशन से घर खर्च चल जाएगा और लड़कों का शिक्षा नहीं रहेगा, आगे का भविष्य कैसे उन लोगों का बनेगा? 5 किलो राशन देने से परिवार थोड़ी चल जाएगा, बच्चों का भविष्य थोड़ी उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल भविष्य के लिए काम ना करें। सरकार तो ये सिर्फ चाहती है कि बस मंदिर मस्जिद करके वोट बैंकिंग करती है, वोट बैंकिंग करने से थोड़ी काम चलेगा, उसका परिवार उसका तो भविष्य बन रहा है, मगर अदरवाइज उन लोगों का, सब लोगों का भविष्य बनना चाहिए ना, सब लोगों को आगे मुकाम पहुंचे, ऐसा सरकार को करना चाहिए ना। हिंदू धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति करने से नहीं होगा, धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या जनता का मूड बन रहा है, किधर जा रही है जनता का मूड क्या है? सरकार के पूरी निकम्मी साबित है, जो ही हम लोग को रोजगार देगा, जो ही स्कोप देगा, आगे का भविष्य कर कारखाने लगाएगा उसको हम लोग वोट देंगे, हम लोग समाजवादी का सपोर्ट करेंगे। समाजवादी अखिलेश के आने के बाद से बहुत सारी कंपनियां हुई, सारी सुविधाएं मिली, सड़क सही हुई सब, तो हम अखिलेश को जानते हैं, हम किसी भी बिरादरी की बात नहीं करते हैं, जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ के रनिंग विधायक कौन है, यहाँ की इसमें वर्तमान विधायक कौन है? कमलेश शुक्ला जी है। क्या आज तक कोई इधर अपने क्षेत्र में घूमने तक नहीं आया है? कमलेश शुक्ला जी है, यहाँ जितने आदमी होंगे शायद 1-2 आदमी कमलेश शुक्ला जी को देखे होंगे, जो यहाँ के विधायक है इस समय वर्तमान में, मगर अभी तक ना इधर क्षेत्र में कोई अपने काम किए हैं ना कुछ किए हैं। और वही बीजेपी की बात, बीजेपी इस समय सिर्फ जातिवाद पे लड़ाना चाहती है और अथी करना चाहती है, आप कोतवाली में चले जाइए, सिर्फ
मान लीजिए यहाँ पे राय और ठाकुर को छोड़ के कोतवाली में किसी भी कास्ट का कोई भी दरखास्त हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कोतवाली में। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार का ये कहना है कि नहीं भाई अपराध घट गए हैं, सब जगह शांति व्यवस्था बनी हुई है, तो आप कैसे बता रहे कि थाने में कार्रवाई नहीं हो रही है? सिर्फ कुछ गोदी मीडिया के चलते अपराध घटे हुए हैं। जमीनी स्तर पे आके अगर जो आप सर्वे कर रहे हैं, आप खुद जान जाएंगे कि यहाँ पे क्या है। इस समय चले जाइए कोतवाली में, आप लिस्ट उठा के देखिए, ऊपर से नीचे तक जितने अधिकारी हैं सब वो सिंह और राय और ठाकुर, बस यही है, दूसरा कोई नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है जमीनी स्तर पर, ना के बराबर है। सिर्फ बीजेपी अपने हम में है और उसका हम जब तक बीजेपी सपा गवर्नमेंट आएगी टूटेगी तभी जाके वो जमीन पे आएगी। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से यहाँ पे टिकट हुआ है गजाला लारी का, जो 2012 में विधायक रही थी, इस समय इनका क्या माहौल है? इस बार कुछ हो पाएगा या ऐसे ही निकल जाएंगे? मेरी विधायक जी जब गजला लारी जी हुई थी यहाँ की, कोई भी किसी से भी पूछ सकते हैं आप, ये नहीं है कि बनी बनाई बातें हम नहीं कर रहे हैं, किसी से पूछ सकते हैं। विधायक जी थी तो बिजली का कोई भी समस्या होता था तुरंत पावर बढ़वाती थी और उसको ट्रांसफार्मर यूज कराती थी, या विधानसभा में इंटरलॉकिंग का काम हुआ या RCC का काम हो या लोहिया ग्राम करना हो वो करती थी, व्यक्तिगत आके लोगों के बीच रह के काम कराती थी। ये नहीं है हमारे कमलेश शुक्ला जी, कोई अगर कह दे, गिने चुने इतने लोग हैं और भी जाके अगल बगल पूछ सकते हैं, कोई कह दे कमलेश शुक्ला जी आए होंगे तो कभी कमलेश शुक्ला जी यहाँ आए नहीं है, मेरे विधायक जी हैं कमलेश शुक्ला, और शहर से सबसे नजदीक मेरा गाँव है और विधायक जी के घर से 2 किलोमीटर पे मेरा गाँव है, और कभी विधायक जी आए नहीं होंगे, कभी विधायक जी नहीं आए होंगे, 2 किलोमीटर रेंज में है उनका घर, मैं कभी आए नहीं होंगे, कभी हालात नहीं देखे होंगे, क्या हालात है, किस तरह आदमी रह रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति क्या थी, कैसे लॉकडाउन की स्थिति पार किया गया। कुछ विधायक जी के क्षेत्रीय विधायक का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को देखे क्या परेशानी है, कुछ नहीं, बस मीडिया के हवाई प्रचार के माध्यम से ये दिया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लॉकडाउन में कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ ये था हवा हवाई था, मीडिया फैला रही थी, कुछ नहीं था। आज रैली करने के लिए 100 बस लगा दिया जा रहा है, उस समय लोगों को पहुंचाने के लिए मेरे ही गांव के लोग आके कितने दिक्कत से पैदल चल के आए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे, और आज इतना पावर है कि सरकार के खिलाफ कि वो 100-100 बस लगा दे रही है रैली निकल के, उस दिन बस कहाँ थे, किसी दिन मेरे गांव के लोग, मेरे अपने लोग पैदल चलते हुए आए थे, वह उस दिन बस कहाँ गया था? मैं सरकार से बस यही पूछना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो कि उस दिन बस कहाँ गया था आपका, क्यों आज ये बस आ सकता है, उधर नहीं लग सकता है। रैली में अगर बस लग सकती है तो फिर उस समय कोरोना काल में क्यों नहीं लगा? कोरोना काल में क्यों नहीं लगा? यही प्रश्न है, बस यही है, कोई भी इसका आंसर दे दे कि क्यों कोरोना काल में वो बसें नहीं लगी, वो बसें कहाँ चली गई थी? जब चुनाव आता है तो सारी बसें सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, चुनाव चला जाता है, व्यक्तिगत स्तर पे काम करना रहता है तो कोई बसें नहीं आती हैं, क्यों नहीं आती है? किसी की भी सरकार हो आनी चाहिए। यहाँ से गजाला लारी का टिकट हुआ है, क्या आप जानते हैं उनको? जी जी, गजला लारी जी को यहाँ कौन नहीं जानता है, बच्चे से पूछेगा वो चेहरा पहचान के बता देगा। तो उनके अगर 2012 के कार्यकाल को देखा जाए तो संतुष्ट थे? जी बिल्कुल संतुष्ट थे, वो कोई कहीं ना कुछ चूक रही होगी कि वो हार गई, लेकिन इस बार फिर जनता, ये पूरी रामपुर कारखाना पड़ता है हमारा, ये उनको दिखा देगा कि बीजेपी के, आप ये जो रोड है ना सर, ये इस रोड पे कभी कमलेश शुक्ला जी के किसी ने देखा नहीं होगा, आप किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, एक होता ना कि विधायक चले जाते हैं, वो गए भी नहीं इधर, ये लोग कह रहे हैं आए नहीं, वो गए नहीं है इधर से, कोई शिलान्यास उनका है ही कुछ, नहीं है कुछ नहीं है सर उनका, जो आपको काम दिखेगा वो गजला लारी जी का ही दिखेगा, उसके बाद 17 के बाद कुछ काम हुआ ही नहीं विधायक के स्तर से। ये रही हमारे साथ रामपुर कारखाना की जनता, जिसने बताया कि विधायक का तो इस क्षेत्र में कोई दौरा ही नहीं हुआ, यही नहीं उनके नाम के द्वारा किया गया कोई शिलान्यास पट भी नहीं दिखाई देता है। फिलहाल 2022 के चुनाव में जनता क्या करती है ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ की जनता में आक्रोश है सरकार की नीतियों को लेकर के, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी के दौर में जो यहाँ के लोगों ने देखा है वह बिल्कुल वर्णन से बाहर है।